विभिन्न बीमारियों को लेकर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के नेतृत्व में अधिकारियों की बैठक निगम सभागार में संपन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। महापौर नीरज पाल के निर्देश पर भिलाई निगम क्षेत्र में विभिन्न बीमारियों की रोकथाम को लेकर नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं। इसी के तहत भिलाई निगम सभागार में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मौसमी जल जनित बीमारियों उल्टी दस्त पीलिया मलेरिया से बचाव एवं रोकथाम नियंत्रण के लिए बैठक में रणनीति तैयार की गई। बीमारियों की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय बैठक में लिया गया। बैठक की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। देखिए, निगम सभागार में जो है आयुक्त महोदय ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली है और इसमें जिला स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी उपस्थित थे। इसके साथ में जो निगम के स्वास्थ्य विभाग थे वो भी सम्मिलित इस बैठक में थे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य था माननीय महापौर जी के निर्देश पर जो जल जनित बीमारियाँ हैं उसकी रोकथाम कैसे करें। अभी जो बारिश का सीजन है उसमें जो है जल जनित बीमारियाँ फैलने का खतरा ज़्यादा होता है, तो पीलिया डायरिया जैसे जो रोग हैं और वेक्टर जनित जो रोग हैं जैसे कि डेंगू हो गए, इनकी तैयारी के लिए क्योंकि गर्मी का सीजन है और गर्मी के बाद में जो बारिश होता है तो कूलर के पानी जो है खाली नहीं किए जाते हैं, इन सभी को लेकर जो है मीटिंग में समीक्षा बैठक में रणनीति तैयार की गई है और विगत 2 महीनों से डेंगू के नियंत्रण के लिए रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में मुख्य रूप से अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, सुपेला शास्त्री अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर PM सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, महेश पांडे, अनिल मिश्रा, अंकित सक्सेना आदि उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे।